आज समाचार पत्र वितरक संघ बरेली का स्थापना दिवस है और इसी विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें बरेली के साथ हमारे प्रदेश के कई शहरों के लोग आ रहे हैं। और आज हम एक ज्ञापन देंगे जो केंद्रीय हमारे श्रम रोजगार मंत्री संतोष गंगवार जी हैं। इस ज्ञापन के माध्यम से हम सरकार से मांग करेंगे, सरकार से एक बात रखेंगे कि समाचार पत्र वितरक समाज को सरकार से कल्याणकारी सुविधाएं दिलाई जाएं। वर्षों पीढ़ियों से वंचित यह समाज आज भी किसी तरह की सरकारी सुविधाएं पाने से वंचित है। तो संबंध में एक 12 सूत्री हम लोग एक उनको ज्ञापन देंगे, उनसे मांग करेंगे कि सक्षम मंत्री जी हैं, वो वितरक समाज के लिए एक शासनादेश जारी करें, जिससे वितरक समाज के लोग आज अपने बच्चों को इस कार्य में नहीं लाना चाहते हैं, इस कार्य में कोई सामाजिक सम्मान न मिलने की वजह से इस कार्य से दूर होते जा रहे हैं। कई वितरक हमारे इस काम को छोड़ के जा भी चुके हैं। कोरोना काल में जो अखबार कम हुए, इनको कैसे वापस लिया जाए, कैसे वापस लाया जाए वो सर्कुलेशन, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और अखबार वितरण के साथ में अन्य कौन सा हम लोग डिलीवरी करें उत्पादों की, प्रोडक्ट की, जिससे वितरक समाज का एक अतिरिक्त आर्थिक कमाई का साधन बन सके, इसी विषय पर आज ये विचार गोष्ठी आयोजित की गई है। हमारे साथ ये वितरक संघ के संरक्षक अजयराज जी शर्मा हैं, ये हमारे वितरक आवाज डिजिटल हेड के हेड हैं अश्विनी पांडे जी, ये रुद्रपुर से आए हुए हमारे पप्पू सागर जी हैं, और भी हमारे कई साथी लोग आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं। तो आज इसी विषय पर आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। वितरक आवाज़ का ये मिशन है, जो पहला पड़ाव हमारा ये बरेली में है, जहाँ से अपनी पुरजोर मांग हम उठाएंगे ज्ञापन के माध्यम से। इसके बाद 3 चरणों पर हमारे एक आंदोलन की रूपरेखा है। 26 जनवरी से 15 अगस्त तक हम पूरे देश के हर विधानसभा के सदस्य को एक ज्ञापन देंगे, वो ज्ञापन देकर उनसे भी मांग करेंगे कि विधानसभा में समाचार पत्र वितरक समाज को कल्याणकारी सुविधाएं देने के लिए सदन के भीतर आवाज़ उठाएं, जिससे ये आवाज़ सरकार तक पहुंचे। दूसरे चरण में हम हर जिले के मुख्यालय पर वहां के कमिश्नर को, वहां के डीएम को ज्ञापन देंगे हमारे वितरक आवाज़ के बैनर तले कि सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज़ को पहुँचाया जाए। 15 अक्टूबर 1921 तक यदि हमारी 2 चरणों की बात पूरी न हुई तो आखिरी चरण में हम दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर के वितरकों के साथ धरना देंगे, उस पर आमरण अनशन का भी मैंने ऐलान कर दिया है। ये हमारा लक्ष्य है और ये हमारे 3 चरणों पर वितरक हित के कल्याण की बातों की हमारी मुहिम की रूपरेखा है। धन्यवाद। जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई राकेश पांडे जी ने बताया, वितरक समाज की जो समस्याएं 12 सूत्री जो हम ज्ञापन देने की बात करते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित और शिक्षा से संबंधित कई ऐसी योजनाएं हैं भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की जो जनमानस के लिए चल रही हैं, लेकिन वितरक समाज अभी भी उनसे वंचित है। उदाहरण के तौर पर आयुष्मान योजना है, 5 लाख तक का इलाज फ्री होता है। अगर ये लाभ हमारे वितरक समाज को मिल जाए, चूँकि वो लेबर क्लास में ही आते हैं, लेकिन उनको कहीं नहीं गिना जा रहा है। अभी श्रमिकों की बात होती है तो जो बिल्डिंग में काम कर रहे हैं उनको श्रमिक में फ़ायदा मिल रहा है, बाकी को कहीं और मिला है, लेकिन तो ये वर्ग छूटा हुआ है, बहुत छोटी सी आमदनी के लोग में काम कर रहे हैं। तो ये सब बातें करके हम लोग इनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। छोटे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अखबार बांटते हैं। आपको शायद याद होगा APJ अब्दुल कलाम साहब जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने अपने छात्र जीवन में समाचार पत्र बांटा और वो हमारे एज ए रोल मॉडल वितरक समाज के हैं। तो हम उनको आइडियल बना के ले चलते हैं। काम कोई भी होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है, हम आगे बढ़ते हैं। तो सरकार से कुछ मांगे हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये वर्ग बहुत पिछड़ा हुआ है, इनकी सेहत की चिंता करें, इनको आगे बढ़ाने की चिंता करें। यही बात लेके हमारा लगातार वितरक समाज संघर्ष कर रहा है। इनकी आमदनी 2 तरह से इनका होता है। जो हमारे सेंटर इंचार्ज हैं उनके लिए जो पैसा मिलता है कमीशन के रूप में वो होता है काम। बीट बॉयज़ जो हैं वो बहुत छोटी छोटी सैलरी पे भी काम करते हैं, 1,500-2,000 रुपए में सुबह को पेपर डालते हैं, तो इस तरह से काम करते हैं, तो उनका जीवन यापन उसमें नहीं हो पाता है। तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो बात रखी जा रही है कि वितरक समाज का उत्थान हो। इसमें हमारे विमल पांडे जी अध्यक्ष हैं और ये लगातार बहुत साल से संघर्ष कर रहे हैं। अब ये संघर्ष इस मोड़ पर आया है कि आज हम अपने श्रम मंत्री को ये ज्ञापन भारत सरकार के दे रहे हैं संतोष जी के लिए,
तो निश्चित तौर से इस उम्मीद के साथ कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। विमल, देखिए आज की तारीख में वितरक समाज बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। कोरोना काल में उसका अखबार काफ़ी सारा बंद हो गया है और वो अपने काम के प्रति जागरूक रहता है। आज इसीलिए हम सब लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि जो हमारे केंद्रीय श्रम मंत्री हैं माननीय संतोष गंगवार जी, उनको हम लोग 12 सूत्री ज्ञापन देंगे और हमारे समाचार पत्र वितरक हर काम में आंधी तूफान बरसात में काम करने के लिए बाध्य रहते हैं, लेकिन कोई भी सरकार आज तक वितरक समाज के लिए नहीं सोचा है। इसलिए आज ज्ञापन देंगे और उम्मीद करेंगे कि माननीय मंत्री जी हम लोगों के मांगों के लिए जल्द से जल्द उन पर लागू करेंगे। धन्यवाद। वितरक समाज हमारा शहर की तमाम समस्याओं को अखबार के माध्यम से घर घर पहुंचाता है। आज परिस्थिति जो बनी हुई है उसके कारण वितरक समाज की तमाम आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा है। वितरक समाज अपनी समस्याओं के लिए आज यहाँ जो एकत्र हुआ है उसके विषय में सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि इस समाज में अभी तक जो भारत सरकार से सुविधाएं मिलती हैं एक भी सुविधाओं का इनको लाभ नहीं मिला है, जबकि हमारे नगर के ही और भारत सरकार के श्रम रोजगार मंत्री स्वयं यहाँ रहते हैं। हमारा उनसे आग्रह है कि हमारी मूलभूत समस्याओं को जो सरकार के माध्यम से वितरक समाज को प्राप्त हो सकती हैं, पुरजोर हम मांग करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि इन समस्याओं को हल कराने में सहयोग करें। हम उनके आभारी रहेंगे।